नमस्कार, मैं हूं अमित सूर्यवंशी। इस वक्त हाजिर हूं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। देखिए सिर्फ पावर ऑफ जनाधिकार न्यूज पर। हरदोई जनपद में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बेगमगंज संडीला में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक डॉक्टर शरद वैश्य ने सर्वप्रथम रक्तदान कर शिविर के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया, जिसके बाद नीतीश कुमार, अरविंद कुमार, आर के वर्मा, पत्रकार आशीष गुप्ता, पत्रकार वाल्मीकि वर्मा, दीपक रावत, चंद्र प्रकाश, पुत्र कैलाश, संजय सिंह, ब्यूरो चीफ अतीश शर्मा, पत्रकार पावर ऑफ जनाधिकार संडीला, संडीला युवा पत्रकार शशिकांत मौर्य, अर्पित सिन्हा, सत्या शर्मा, भावना वर्मा, सुधांशु तिवारी सहित कई अन्य लोगों ने रक्तदान दिया तथा सीएससी अधीक्षक ने बताया कि रक्तदान करने से हमारे शरीर में नया खून बनता है। हर 3 महीने के बाद हमें रक्तदान करना चाहिए। जैसा कि 29 तारीख है और रविवार का दिन है, आज आपने स्वैच्छिक रक्तदान शिविर लगाया हुआ है, और क्या उद्देश्य रहा है और इसके विषय में थोड़ी पूरी जानकारी आप? रक्तदान शिविर जो है वो इसलिए आयोजित किया है खासकर कि रक्त एक ऐसी चीज़ है जो कहीं से ना हम खरीद सकते हैं ना बना सकते हैं। ये एक ऐसी चीज़ है जिसकी आवश्यकता मनुष्य शरीर को होती है और ये सिर्फ दान देने से एक से दूसरे को ही मिल सकता है। इसको हम कहीं मार्केट से या किसी लैब में बना नहीं सकते। तो हर एक स्वस्थ व्यक्ति का, 15 से 45 वर्ष के हर स्वस्थ व्यक्ति का यह कर्तव्य बनता है कि वो रक्तदान करे, और एक स्वस्थ व्यक्ति हर 3 महीने पर एक बार आराम से 1 यूनिट ब्लड दे सकता है। शरीर में कोई कमजोरी नहीं आती है और जितना ये ब्लड दिया जाता है, एक बार यूनिट जो रक्तदान में निकाली जाती है, इसकी प्रतिपूर्ति शरीर 15 मिनट के अंदर स्वयं कर देता है। और अगर ये खून जैसा शरीर की वो है कि 3 महीने के अंदर तो पुराना खून है वो ख़त्म हो जाता है, नया खून बनता रहता है। तो ये अगर हम खून दान दे दें, किसी के काम आ जाए, तो ये सबसे अच्छा रक्तदान, महादान जिसे कहते हैं। मैंने अभी स्वयं रक्तदान किया है और इससे रक्तदान करने से आपके शरीर में नई स्फूर्ति, नई ताजगी बनी रहती है। जैसा आप देख रहे हैं अभी रक्तदान हो रहा है, इसी उद्देश्य से हमने ये स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया है कि सब लोग मिलकर इस महान कार्य में सहयोग करें। सर, क्या आपके स्टाफ के भी लोग इस मुहिम से जुड़े हुए हैं? बिल्कुल, अभी मैंने इसका, जैसे आपने देखा कि मैंने रक्तदान किया है, मेरे पीछे एलटी लेटे हुए हैं रक्तदान करने के लिए, हमारे फार्मासिस्ट महोदय बैठे हुए हैं, हमारा पूरा स्टाफ तो रक्तदान करता ही है। बाकी आम जनता से हमारी अपील है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और रक्तदान करें। ये कभी उनके ही काम आ सकता है, उनके संबंधी रिश्तेदार किसी के काम आता है। धन्यवाद सर। इसी तरह खबरों को देखने के लिए देखते रहिए पावर ऑफ जनाधिकार न्यूज। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।